वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सिब्बल एक अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे नेता नहीं हो सकते, क्योंकि किस गांव में गए, कौन से जिले में गए, कौन से स्टेट में घूमे, कहाँ कहाँ काम किए। देखो, बैठे जगह एडवाइस देने वाले बहुत होते हैं, ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, ज़मीन पे जाना अलग होता है, और वही लोग लोगों की जो इच्छाएं हैं, कांग्रेस वर्कर का जो मंशा है, वही लोग जान सकते हैं। ऐसा हवा में बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। और अब जो मैडम गांधी जी काम कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं, इससे यही साबित होता है कि जो कोई भी काम अगर नहीं करेगा उसको शिक्षा मिलेगी। और ये ऐसी बातें जो सिब्बल साहब बार बार कह रहे हैं, ये पार्टी की कमज़ोर करने की नीति है। मैं तो ये कहूँगा, ये जानबूझ के कर रहे हैं। जो वर्किंग कमेटी में डिसीजन हुआ था कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्षा कोई भी एक्शन ले सकती है, और वो पार्टी में जो कमजोरियां हैं उसको निकालने के लिए वो एक्शन लिए हैं, इसीलिए वो सभी पांचों जो अध्यक्ष थे उनको हटाया गया है। ये अच्छी बात है, आई वेलकम दिस। और कोई दूसरे राज्य में भी जो काम नहीं कर रहे, सिर्फ पार्टी के नाम से वहाँ पर बैठे हैं, तो उनके ऊपर भी ऐसा ही एक्शन लेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे सर। हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, नैतिक जिम्मेदारी हमारी है, और हम लोगों ने प्रयास किया, संघर्ष किए, मुद्दों की राजनीति की, किसान नौजवान गरीबों की राजनीति को लेकर सड़कों पर उतरे, लाठी खाए, जेल गए, तो जितना हो सकता था हमने विश्वास हासिल करने की कोशिश की। जनता है, लोकतंत्र में मालिक है, नहीं दिया जनादेश फिर लेंगे, उनके बीच में जाएंगे, उनके अदालत में जाएंगे, देखते हैं कब तक नहीं मानती है, मनाएंगे। आपने इस बार फिर रिजाइन अभी किया है जब ये मीटिंग हुई थी सर? देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश आया है तो निश्चित तौर से उसको पालन करेंगे। कैसी रही मीटिंग इस बार? क्या मीटिंग अच्छी रही, आने वाले समयों की तैयारी की चर्चा, और जो पिछले समयों में हम लोगों की कमियां रही उसको दुरुस्त करने का सलाह सबने दिया है, और निश्चित तौर से 2024 में मजबूती से जाएंगे और लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे देश में।